सबसे पहले बात करते हैं कोरोना मीटर की, कोरोना ग्राफ की। तो देश में कोरोना का ग्राफ और हाई हुआ है। देश में कोरोना के केस की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ये पहुंचकर 78,000 हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना अब तक देश में 2,549 लोगों की जान भी ले चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना का खौफ और बढ़ा है। गुरुवार को कोरोना के 3,722 नए केस सामने आए, जबकि 134 लोगों की मौत हुई। इस बीच कोरोना के 26,235 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 78,000 के पार पहुंच गया है। अब तक 2,549 लोगों की मौत हुई है। भारत का आंकड़ा चीन के आंकड़े के बेहद करीब नजर आ रहा है। इसी बीच 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की दूसरी किश्त को गुरुवार को जारी कर दिया गया, जिसमें प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों के साथ साथ शहरी गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें कोरोना से लड़ने का आगे का रोड मैप तैयार होगा। वहीं देश में अब भी जगह जगह हजारों की संख्या में मजदूर अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। कई जगहों से मजदूरों की दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इन सब के बीच पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसा चुका कोरोना अब तक 45 लाख से ज्यादा लोगों को मरीज बना चुका है, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना के कारण, आपको बता दें, मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। सरकार कोरोना को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कोरोना वॉरियर्स दिन रात जान बचाने में जुटे हैं। देश का हर नागरिक कोरोना से सीधी फाइट कर रहा है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद कोरोना का स्पीडोमीटर हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में गुरुवार को 3,722 नए मरीज आए, जिसके बाद देश में कुल मरीजों की संख्या 78,000 के पार पहुंच गई। गुरुवार को कोरोना ने एक बार फिर 134 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा 2,549 तक पहुंच गया है। मौत का यह आंकड़ा पूरे देश को डराने वाला है। पिछला एक हफ्ता देश पर बहुत भारी पड़ा है। 7 दिन में 765 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद हर रोज बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के उपायों पर चर्चा करने के लिए आज केंद्रीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हाई लेवल मीटिंग है, जिसमें खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और उनके डिप्टी अश्विनी चौबे भी शामिल होंगे। मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कि वो दिन रात उस वातावरण में अंदर वायरस के साथ हंसते हंसते खेलते खेलते काम करते हैं और हर समय पीपीई किट पहने होते हैं, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच राहत इस बात की है कि गुरुवार तक देश में कोरोना के 26,235 मरीज रिकवर हो चुके हैं। कोरोना मरीजों का डबलिंग रेट भी कम हुआ है, जो पिछले 3 दिनों में 13.9 तक पहुंच गया है। कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट महाराष्ट्र पर पिछले 24 घंटे बेहद भारी पड़े हैं। राज्य सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोरोना की स्पीड में कोई कमी नहीं आई। महाराष्ट्र में कुल 27,524 केस हैं, जबकि मुंबई में 16,738। महाराष्ट्र में अब तक 1,019 जान जा चुकी हैं, जिसमें मुंबई में ही 621 लोगों की मौत हुई है। नए केस की बात की जाए तो महाराष्ट्र में गुरुवार को 1,602 नए केस आए, जिसमें मुंबई में ही 998 केस आए। महाराष्ट्र और मुंबई में सबसे ज्यादा केस और मौत हुई है। मुंबई में सबसे बुरे हाल धारावी के हैं। धारावी में 1,000 से ज्यादा केस है, इसके बावजूद यहां सड़कों पर लोगों का मेला लगा है। ना कोई डर, ना कोई सावधानी। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं धारावी इलाके में। आप देखिए, सुबह सवेरे यहाँ पर धारावी इलाके में ये मंडी है, बाजार लगा हुआ है और बाजार में लोगों की किस तरह से भीड़ है। चूंकि धारावी इलाके में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी है, लोगों की जरूरतें हैं, लोग घरों से निकलते हैं खरीदारी करने के लिए। जाहिर बात है कि जब इतने बड़े पैमाने पर लोग घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन होता है। देश के दिल दिल्ली में भी कोरोना का अटैक बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा ही है। हालांकि यहां मौत का आंकड़ा उतना तेजी से नहीं भागा,
फिर भी दिल्ली के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। गुरुवार को 472 नए मामले सामने आए। दिल्ली में एक दिन में ये कोरोना के नए मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में अब कोरोना के कुल मामले बढ़कर 8,470 हो गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 115 तक पहुंच गई है। गुरुवार को ही 10 लोगों की मौत हुई। अचानक आए नए मामलों से सरकार की टेंशन हाई हो गई है। दिल्ली के अंदर कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ये हमसे सुझाव मांगे केंद्र सरकार ने। मैंने तय किया कि ये सुझाव किसी एसी कमरे के अंदर बैठ के नहीं होने चाहिए, जनता से पूछना चाहिए, एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए। भारतीय रेल तो धीरे धीरे पटरी पर दौड़ने लगी है, लेकिन दिल्ली स्थित रेल भवन का मुख्यालय 2 दिन के लिए सील हो गया है। वजह है कोरोना। आरपीएफ का एक जवान कल यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसके बाद 2 दिनों के लिए पूरी बिल्डिंग जो रेल भवन है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया। अभी आप देख सकते हैं सैनिटाइजेशन का काम जो है वो रेल भवन के बाहर चल रहा है। कोरोना काल में गुजरात भी उसी ट्रैक पर है जहाँ महाराष्ट्र और दिल्ली। आंकड़ों की जुबानी समझिए गुजरात में स्थिति कितनी खराब है। पूरे गुजरात में कोरोना के 9,500 से ज्यादा केस हैं। इनमें से 6,910 केस तो सिर्फ अहमदाबाद में डिटेक्ट हुए हैं, यानी करीब 72% केस अहमदाबाद से ही हैं। पूरे गुजरात में जहां 586 लोगों की मौत हुई है, उनमें अहमदाबाद में 465 लोगों की मौत शामिल है। अहमदाबाद में इलाज के लिए प्रोटोकॉल वही अपनाया जा रहा है जो दिल्ली के एम्स में अपनाया जा रहा है। अहमदाबाद में कोविड पेशेंट्स के डेथ का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कोमॉर्बिडिटी, यानी ऐसे पेशेंट्स जो पहले से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या बीपी का शिकार हों, या फिर हार्ट की बीमारी या किडनी की या कैंसर जैसी जो क्रिटिकल इलनेस हैं उनसे पीड़ित हैं, या एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कोमॉर्बिडिटी जो है उसके कारण ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। कोरोना आम लोगों के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स की जान पर भी भारी पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना से 2 पुलिस वालों की मौत हुई है। मुंबई के शिवाजी नगर थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल की कोरोना से मौत हुई है। नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने के SHO कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दिल्ली में RPF का जवान कोरोना पॉजिटिव है। दिल्ली CRPF में 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 24 घंटे में ITBP के 12 और जवान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना कैसे कंट्रोल होगा, कब कंट्रोल होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हर रोज जिस तरह से इस वायरस का खौफ बढ़ रहा है वो चिंता भी पैदा कर रहा है और लोगों के मन में डर भी भर रहा है।